ईश्वर की कृपा से मैं ये सिद्धि अवश्य प्राप्त करूंगा, अन्यथा मैं आश्रम वापस नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने पुत्र कच्छ को श्री गणेश को अर्पित करता हूं। वो जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे और हमें स्वीकार भी होगा। तुम्हें इन समस्त स्थितियों को ध्यान में रखकर विद्या ग्रहण करनी होगी। नारायण नारायण, चमत्कार हो गया देवाधिदेव, चमत्कार हो गया। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। ये चमत्कार नहीं है देव ऋषि। हे माते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कच्छ के लिए किसी विशेष शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जित करना। वो शिक्षा चाहे देवों की हो या असुरों की। और पुनः कच्छ का उद्देश्य असुरों से कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करना नहीं, अपितु संजीवनी विद्या प्राप्त करना है। नारायण नारायण, किंतु अब तो इस सत्य को प्रकट करने का समय आ गया है महादेव। इससे कोई लाभ नहीं होगा देवर्षि, कच्छ इस विद्या का अधिकारी नहीं है। स्वामी, क्या कच्छ में विद्या ग्रहण करने की योग्यता नहीं है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं देवी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी की सिद्धि केवल और केवल असुरों के लिए ही की है, देवों के लिए नहीं। नारायण नारायण, ये तो आने वाला समय ही सुनिश्चित करेगा देवर्षि। नारायण नारायण, प्रणाम। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा कोई भक्त इतने कल्याणकारी उद्देश्य से अपने जीवन को संकट में डाले और मैं उसकी रक्षा ना करूं। तुम्हारा कल्याण होगा कच्छ, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। हम वचन देते हैं कि सदैव तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाएं दूर करते हुए तुम्हारे लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रत्येक बाधा के सामने हम तुम्हारी ढाल बनेंगे, चाहे वो कोई भी कैसी भी बाधा या कैसा भी संकट क्यों ना हो। कैसा रूप अनूपा, देख के इसको मेरे मन में प्रेम का अंकुर फूटा, प्रेम का अंकुर फूटा। क्या ये हुआ है इसकी तरफ ही मन ये खिंचा जाता है, मन ये खिंचा कदाचित इसीलिए कि आप इसे उठाकर मुझे। क्या सोच रही हैं आप? जी जी जी, मैं ये सोच रही थी कि आप बहुत ही हठी हैं, जो ठान लेते हैं उसे पूर्ण करके ही रहते हैं। कि पिताश्री ने आपको अपना शिष्य बनाया। अरे ये क्या कह रही हैं आप, मुझे लज्जित मत कीजिए। मैं तो आपको धन्यवाद कहने आया था और आप। धन्यवाद क्यों? देवी, अगर आप ना होती तो मैं अपने उद्देश्य में सफल कभी ना हो पाता।
मैं सत्य कह रहा हूं देव। आए तो आप हैं, मैं तो यही हूं। कदाचित आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी मैं, अर्थात ये बहुत ही उचित हुआ जो आप इस आश्रम में आए। किसी अपरिचित को इतना सम्मान देना, उसकी पीड़ा समझना कोई साधारण कन्या नहीं कर सकती। ये वेनी तो अच्छी लग रही है। ये वेनी अच्छी लगी। आपने मेरे बालों में लगाई है तो अच्छी ही लगेगी। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो वेनी को देखा तक नहीं, आप तो शून्य में थी। ऐसा क्या कह दिया मैंने कि जो आप इतनी मुस्कुरा रही हैं? नारायण नारायण। प्रणाम श्री गणेश। देवर्षि, आपके मुख पर यह चिंता कैसी? क्या अब भी आपके मन में कोई प्रश्न शेष है? हे प्रभु, प्रश्न तो कई हैं, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न तो संजीवनी विद्या का ही है। क्या देव पुत्र कच्छ दैत्य गुरु से विद्या प्राप्त कर पाएगा? सच्चे मन से की गई कामना सदैव पूर्ण होती है देवर्षि, और पुनः अपने भक्तों की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आपकी कृपा से तो असंभव भी संभव हो जाता है श्री गणेश। किंतु हम ये जानना चाहते हैं श्री गणेश कि क्या देव पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कृपा पात्र बन पाएगा? देवर्षि, दैत्य गुरु अपने असुर शिष्यों की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? परंतु अब तो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया है। दैत्य गुरु ने कच्छ के लिए जो भी निर्णय लिया है विशेष परिस्थितियों में ही लिया है। अर्थात देव पुत्र कच्छ का संकट अभी भी दूर नहीं हुआ। किसी भी धर्म संकट की स्थिति में हम कच्छ की सहायता अवश्य करेंगे। तो क्या देवादि देव महादेव वो अपने भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ही सहायता करेंगे? जो उनका दायित्व है वो पूरा करेंगे, और जो हमारा है हम पूरा करेंगे। कहीं इसका गंभीर परिणाम तो नहीं होगा श्री गणेश? आप अभी से चिंतित क्यों हो रहे हैं देवर्षि? जैसी आपकी आज्ञा श्री गणेश, अब मुझे आज्ञा दें। सारे संकटों का कारण केवल एक है, और वो हमारे गुरुदेव का पुत्री मोह। पुत्री के मोह में वो हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। हम देवताओं के विरुद्ध यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और गुरुदेव उनके ही पुत्र को आश्रम में स्थान दे रहे हैं। यदि हमारी विद्या उस देव पुत्र के हाथ लगेगी तो वो हमारा अंत कर डालेंगे। विनाश के इस आयोजन को हमें किसी भी स्थिति में रोकना ही होगा। इसका केवल एक ही उपाय है। देवी पार्वती, आप उदास क्यों हैं? देवी पार्वती, बस यूं ही। परंतु वो तो दैत्य गुरु के पास गया है ना देवी, वही तो चिंता है। दैत्य गुरु के असुर शिष्य उसे देखना तक नहीं चाहते, वो कभी भी उसका अंत कर सकते हैं।
और श्री गणेश उन्हें अपने भक्तों को कैसे भूल सकते हैं देवी? मेरे स्वामी भी अपने भक्तों को कदापि नहीं भूलते। असुरों के गुरु तो उनके परम भक्त हैं। देवी, यदि आप स्वयं श्री गणेश से निवेदन करें तो? मैं अपने स्वामी और पुत्र गणेश की शक्तियाँ जानती हूँ। यदि ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के समक्ष आ गई तो सृष्टि संकट में आ जाएगी। इन दोनों शक्तियों के समक्ष मैं विवश हूँ। यदि असुरों के हाथों देवपुत्र का अंत हो गया तो देवलोक और असुरलोक एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे और इसका परिणाम भयंकर होगा। नहीं नागदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इसे कौन सी विद्या दे रहे हैं? इसे मारने का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। ये देवलोक से चमत्कारी विद्या सीख कर आया है, नाग को भी अदृश्य कर दिया। शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ होगा। प्रत्येक वर्ष हम श्रावण तृतीया के दिन अपने इष्ट देव महादेव की विधिवत पूजा करते हैं।
और ये पूजा नीलकमल से होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार नीलकमल लेने कौन जाएगा। सब मौन क्यों हो? प्रत्येक वर्ष नीलकमल लाने की तुम सब में होड़ मच जाती थी, पर द्वाज आज तुम सबको क्या हो गया? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो इस वर्ष मैं नीलकमल लेने जाऊं। परंतु कुमार, आप कैसे जा सकते हैं? आप तो अभी अभी आश्रम में आए हैं, आप नीलकमल लेने के लिए कैसे जा सकते हैं? तुम लोग क्यों नहीं जाना चाहते? गुरुदेव, प्रत्येक वर्ष तो हम सभी जाते हैं, हम चाहते हैं कि इस बार कच्छ को ये अवसर मिले। ये भी उचित है। हम ये देखना चाहते हैं कि कच्छ नीलकमल लाने में सफल होता है या नहीं। बोलो कच्छ, तुम्हारा क्या विचार है? मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये विशेष कमल त्रिकाल सरोवर में ही मिलता है। सूर्योदय होते ही तुम प्रस्थान करो। परंतु पिताश्री, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। नीलकमल लाने का कार्य कच्छ की योग्यता की परीक्षा होगी, उससे ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पुनः देवपुत्र को वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी उसे उस विद्या को सीखने की जिस पर देवों का कोई अधिकार ही नहीं है? जो इस आश्रम की मर्यादा का पालन न करे उसे यहाँ रहने का क्या अधिकार है? ये निर्णय हम लेंगे इस आश्रम में कौन रहेगा और कौन नहीं, और कच्छ के संबंध में उस दिन हम निर्णय लेंगे जिस दिन वो नीलकमल लेकर आएगा।